हेलो दोस्तों, कोरोना अपना पैर चारों तरफ फैला चुका है और इस कोरोना ने कितनों की जान ले ली है। लेकिन सोमवार के दिन भोजपुरी के एक युवा गीतकार की जान भी कोरोना ने ले ली, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन इस खबर को झूठा करार देते हुए श्याम देहाती, जिनका नाम है, उनकी मौत सोमवार को हो गई। लेकिन उनका जो कोरोना रिपोर्ट है अभी हाल ही में आया है, दो दिन पहले आया है, और उस रिपोर्ट को देखने के बाद पता चला है कि श्याम देहाती की मौत कोरोना से नहीं बल्कि किसी और बीमारी से हुई है। और श्याम देहाती के बड़े भाई खेसारी लाल यादव, जो श्याम देहाती को अपना छोटा भाई मानते हैं, उन्होंने लाइव आकर श्याम देहाती के बारे में दुख जताया। उन्होंने कहा कि मैं अपने छोटे भाई को नहीं बचा पाया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। अगर मुझे खुद को बेचकर भी श्याम देहाती को बचाना होता तो मैं श्याम देहाती को बचा लेता, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन इसी बीच राजकुमार आर पांडे की फैमिली में से लाइव आए और ताबड़तोड़ इल्जाम लगाने लगे। उन लोगों का कहना है कि अगर खेसारी लाल यादव श्याम देहाती को बचाना चाहते तो वो किसी भी तरह से बचा लेते, लेकिन खेसारी लाल यादव सिर्फ बातें बनाते हैं। उनको कुछ करना नहीं आता, कुछ करते नहीं है, बस बड़ी बड़ी हांकते हैं, बड़ी बड़ी फेंकते हैं। जी हाँ, यही कहना है पांडे परिवार की फैमिली से। दो दो लोग लाइव आए और खेसारी लाल यादव पर बहुत सारे इल्जाम लगाए कि खेसारी लाल यादव की वजह से ही श्याम देहाती की मौत हुई। इस पर खेसारी लाल यादव के फैंस भड़क गए, लेकिन राजकुमार आर पांडे की फैमिली से उनके फैंस जो हैं वो राजकुमार आर पांडे की फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। और उनका कहना है कि फिर तो खेसारी लाल यादव झूठ बोल रहे हैं और लाइव आकर वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं सहानुभूति पाने के लिए कि खेसारी लाल यादव बहुत अच्छे हैं, सबकी नज़रों में अच्छे बने रहने के लिए खेसारी लाल यादव ने ऐसा किया। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लिखा होता है वही होता है, मरना और जीना अपने बस की बात नहीं है, और यही हुआ जो भगवान की मर्जी थी। भगवान की मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चलती है। लेकिन इसी बीच खेसारी लाल यादव फंस चुके हैं और खेसारी लाल यादव पर बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में आ रहे हैं, जैसे कि विजय यादव हैं। उन्होंने अपना पोस्ट डाला है और लिखा है, खेसारी लाल यादव पर उंगली उठाना आसमान पे थूकने जैसा होगा। जैसे कि धनंजय मिश्रा का भी निधन हो चुका है और धनंजय मिश्रा का परिवार आज खेसारी लाल यादव के फ्लैट में रहता है। श्याम देहाती जब फैक्ट्री खोले थे तब 6 लाख की मदद खेसारी लाल यादव ने किया था। खेसारी लाल अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। खेसारी लाल यादव का विरोध करने वाले पहले खेसारी लाल जैसा बनो, उसके बाद खेसारी लाल यादव पे उंगली उठाना, क्योंकि खेसारी लाल यादव हमेशा अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने फैंस के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खेसारी लाल यादव पर उंगली भी उठा रहे हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पोस्ट आया कि श्याम देहाती की मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है, तो कुछ लोग इस पर पूछ रहे हैं फिर क्या वजह हुई। भाई पता चले तो हमें भी बताओ, इतनी सडन डेथ पर आश्चर्य तो होगा ही, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे कि पप्पू दुबे हैं, उन्होंने लिखा है कि खेसारी लाल यादव कैसे कोरोना पॉजिटिव बताकर बोल रहे थे कि 4 दिनों से सोया नहीं हूं और मदद कर रहा था, उनके बीवी बच्चों के लिए दुआ कीजिए। आप लोग उनके प्रचारक है, गजब कैरेक्टर आप लोगों के पास है, ऑस्कर अवार्ड अगर मिलना हो तो यह बंदा जरूर उठाता। एक स्वर के जादूगर सत्यवीर सिंह हैं, उन्होंने लिखा है, श्याम जी का जब कोरोना नेगेटिव था तो खेसारी लाल लाइव आकर क्यों बोल रहा था कि श्याम देहाती को मैं कोरोना का इलाज करवा रहा था, लेकिन कोरोना मेरे भाई की जान ले लिया। वो तो ये भी बोल रहा था कि मैं फ़ोन पे श्याम जी का हालचाल पूछकर मैं पूरी जानकारी ले रहा था, लेकिन ये सब बात बिल्कुल झूठ निकला। भगवान जी से कृपा है कि झूठा ड्रामेबाज का बहुत जल्द अंत होगा। मरे हुए आदमी पे भी इतना बड़ा राजनीति कर रहा है ये, छी छी। अखिलेश सीआर करके हैं, उन्होंने लिखा है, सब गड़बड़ है, कोरोना की वर्ल्ड मार्केटिंग, मीडिया वाले हत्यारे कर रहे हैं। सुनील गोस्वामी ने भी लिखा है, हम लोगों को भी शक था, कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, तो कैसी लगी आप सबको ये वीडियो? क्या सच में खेसारी लाल यादव इसमें फंस चुके हैं या फिर उनको फंसाया जा रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।